फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइंग ओबी नॉलेज टू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नॉलेज होता है, उसको हम मैनेजमेंट में कैसे काम में लाते हैं रियल में। तो देखिए, समझते हैं क्या होता है। मेनी ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सॉल्व बाय एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ ओबी एंड अप्लाइंग दिस नॉलेज प्रॉपरली। ज़्यादातर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो भी ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हमारे पास नॉलेज होती है, और उसको पर्टिकुलर सही जगह सही तरीके से अप्लाई करके। द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग ओबी इज़ टू एक्वायर नॉलेज अबाउट हाउ पीपल बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओबी को पढ़ने का, वो ये होता है कि ये जानने का कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं, इस बारे में नॉलेज लेना। एंड हाउ दिस बिहेवियर कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। और उनका जो बिहेवियर है, वो कैसे उनको डायरेक्ट मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। फॉर दिस पर्पज वेरियस थ्योरीज हैव बीन इन्वॉल्व। इसी के लिए बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई गई हैं। द मैनेजर्स मे बी करेक्ट इन सेइंग सो एज द थ्योरीज दे हैव अप्लाइड माइट नॉट हैव वर्क। इफ़ बैड थ्योरीज क्रिएटेड दैट डू नॉट वर्क, द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज वाइडन। अगर सपोज करिए मैनेजर्स कोई ऐसा थ्योरी बना दिया जिसको कि अप्लाई करने पे वो वर्क ही नहीं किया, वो कैसे कंसिडर होगा? उसको हम लोग बैड थ्योरी मानेंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, हमारा काम तो गलत होगा ही, और हमारी जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा सा गैप आ जाएगा। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रीज़न वाई थ्योरीज डू नॉट वर्क इन प्रैक्टिस। इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना, ये रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी थ्योरीज बनाई गई हैं, वो एक्चुअली में प्रैक्टिस करने पे काम क्यों नहीं करती हैं। तो ये वाई जो थ्योरीज फेल हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने पे, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल और पेटीएम नंबर दिया है, उस पर 15 rupees पर चैप्टर के हिसाब से ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे सेंड कर दे। मैं विद इन 1 आवर्स उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। कीप सपोर्टिंग।